नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और हम अभी आए हैं नागपुर में टेकड़ी गणेश के मंदिर। तो इसका बहुत मतलब बहुत ही नाम है नागपुर में, और नागपुर के बाहर भी इसका नाम है। और बहुत पुरातन मंदिर, मतलब भोसलेकालीन मंदिर है ये। लगभग ये 300 साल पुराना मंदिर है। और सबसे महत्व की बात है कि जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वो स्वयंभू है। तो चलिए आपको गणेश भगवान का दर्शन कराते हैं और कुछ यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो सामने गेट के पास ही आपको पूजा का सामग्री मिल जाएगा दोस्तों। ये स्टेशन रोड पे ही मंदिर बना हुआ है। एक समय यहाँ पे स्टेशन का सामने पुल था, जो गणेश टेकड़ी पुल कहा जाता था, वो भी गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया है। इसकी जगह कुछ और बनाने वाले हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पे पुल था पहले। इस साइड स्टेशन है और इस साइड मानस चौक है, मतलब बर्डी। और ये हमारा गणेश मंदिर देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सजावट हुई है गणेश भगवान के मंदिर में। बहुत अच्छा यहाँ पे एक भक्ति भाव का एक ये बन जाता है। पहले छोटा हुआ करता था इसका प्रांगण, लेकिन अभी देख सकते हो आप प्रांगण कितना बड़ा है। देख सकते हो आप, वो मंदिर का गेट है एक, और यहाँ से भी गेट बनाया गया है। हफ्ते में 6-7 दिन जो भी होते हैं यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं पर्सनल लोगों के। किसी की मान्यता रहती है, कुछ रहती है, तो कथा वथा सत्यनारायण का जो भी है यहाँ गणेश मंदिर में हुआ रहता है। और देखिए कितना भव्य मंदिर है ये। पे ही हमें गजराज जी के दर्शन हो जाएंगे, देख सकते हो आप। और सुंदर कलाकृति वाला मंदिर है ये। देख सकते हो कितना सुंदर बनाया गया है मंदिर। ये है गणेश टेकड़ी का मंदिर दोस्तों। और अभी बापा के दर्शन कराते हैं आपको। देखिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए बापा के। और चांदी का मुकुट लगा है बापा को, और जो पीपल का पेड़ देख रहे हो आप, उसमें विष्णु भगवान का वास होता है बोलते, तो दोनों के दर्शन कर लीजिए। और ये भोलेनाथ की पिंडी, नंदी स्वरूप और काल भैरव। और थोड़ा सा हमने दर्शन कर लिए होंगे दोस्तों। दर्शन करने के बाद बाजू के ही नव लगे हुए हॉल में माता जी के दर्शन करेंगे अभी। तब तक के देख लीजिए, माता जी के दर्शन कर लीजिए भक्तों। तो यहाँ पे एक साथ एक से ज़्यादा भगवान देवियों के दर्शन हो जाते हैं। देखिए भक्तों की कितनी भीड़ लगी है बापा के पास। दोस्तों, आपने गणपति बापा के दर्शन कर ही लिए होंगे टेकड़ी वाले गणेश के। तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो मूर्ति आपने अभी जो देखी है, जिनके दर्शन किए, ये स्वयंभू है। मतलब किसी ने यहाँ पे स्थापित नहीं की और कुछ भी नहीं की, ये स्वयं यहाँ पे विराजमान हो गए। और जो पेड़ देख रहे थे, तो पेड़ जो पीपल का पेड़ है उसमें विष्णु जी वास करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे गणेश जी के साथ साथ विष्णु जी के भी दर्शन होते हैं, दोनों भगवान के। तो हमने अभी दोनों भगवान के दर्शन किए, और बाजू में ही उनके एक सभा मंडप में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे देवी का भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन किए। और छोटे छोटे देवस्थान यहाँ पे बनाए गए हैं। कहते हैं कि राजा भोसले जब भी कोई लड़ाई या शुभ कार्य करने जाते थे, तो वो टेकड़ी वाले गणेश को माथा टेक के ही जाते थे, ऐसा कहना है।
और इसका रखरखाव भी घोसले कालीन का ही पूरा रखरखाव है। और यहाँ पे एक ब्रिटिशों के विरुद्ध भोसले राजाओं का एक युद्ध भी हुआ था, शायद ऐसा सुना हूँ मैं। और यहाँ पे और एक बात है महत्वपूर्ण बताता हूँ आपको, कि जब भी सचिन तेंदुलकर नागपुर में कोई मैच खेलने आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर इसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको 250 साल पुराना, 250 से 300 साल पुराना मंदिर गणपति बापा के दर्शन करके? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।